साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। श्रावण मास को भगवान शिव का मास कहते हैं। पुराणों में इस महीने का दैवीय महत्व बताया गया है। कहते हैं भगवान भोले शिव भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। वैसे शिव के संपूर्ण संसार में मंदिर है, मगर धर्म और आस्था की नगरी तीर्थराज प्रयाग के दरियाबाद मोहल्ले में अति प्राचीन श्री तक्षक तीर्थ मंदिर का अलग ही महत्व और महिमा है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। संगम नगरी का तक्षक तीर्थ मंदिर, यहाँ आने से विषबाधा से मिलती है मुक्ति। पुराणों में भी है इसके धार्मिक महत्व का वर्णन। बड़ा शिवाला के नाम से भी प्रसिद्ध है ये मंदिर। काल सर्प दोष से मुक्ति का है ये विशेष स्थान। प्रयागराज जिसे आस्था की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ के दरियाबाद मोहल्ले में अति प्राचीन श्री तक्षक तीर्थ मंदिर स्थित है। सावन के महीने में यहाँ पर आने से विषबाधा और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है, जिन्हें दीर्घकालीन तक्षक तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ये संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी तक्षक का स्थान है। लगभग 20 लाख वर्ष से भी अधिक प्राचीन स्थान ये पौराणिक आख्यानों के अनुसार बनता है। इनके दर्शन मात्र से कुल विषबाधा से मुक्त होता है। ये कहा गया है, सर्वस्याम शुक्ल पंचम्या मार्षाण्योपरा सस्नाया तक्षके कुंडे विषबाधा न तत्कुले तत्र कुर्वेत स्नान दान जपाजकम धनवान्त भवे सदा। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, विशेषकर मार्षीष अगहन और श्रावण मास की पंचमी को तक्षक कुंड में स्नान कर तक्षकेश्वर की पूजन दान जपाज करने वाले व्यक्ति का कुल विषबाधा से मुक्त तो होता ही है, साथ ही कुल धनवान और सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है, ऐसा पुराणों में इसका महत्व कहा गया है। पुराणों में इसके धार्मिक महत्व का वर्णन है। मान्यता ये है कि यहाँ आने से विषबाधा से मुक्ति मिलती है। ये बड़ा शिवालय के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। इस मंदिर का वर्णन पुराणों में भी लिखा है। मान्यता ये है कि सावन के महीने में यहाँ आने से विषबाधा तो दूर होती है, साथ ही सभी की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक मास की शुक्ल पंचमी को, विशेषकर अगहन सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को तक्षक कुंड में स्नान करके पूजन दान जप आदि करने से कुल की विषबाधा से मुक्ति तो होती है, साथ ही कुल को धनवान और सांसारिक सुख की भी प्राप्ति होती है। आज के दिन यहाँ यमुना जी में नहा कर और काल सर्पयोग का यहाँ पर पूजन होता है। काल सर्पयोग का पूजन होता है, इसको करवाने से आपके सारे दोष मिट जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। मंदिर के महात्म को लेकर यहाँ के पीठाधीश्वर का कहना है कि जैसे देश का राष्ट्रपति होता है, उसको धुरी मानकर देश का संविधान चलता है, ठीक उसी तरह काल को धुरी मानकर 9 ग्रह 12 राशि 28 नक्षत्र कर्म करते हैं। वह काल का स्थान तक्षक को ही प्राप्त है। काल सर्प योग नाग दोषी की मुक्ति का यह मुख्य स्थान है। सावन मास में तक्षक तीर्थ की पूजा का विशेष महत्व है और साथ ही नाग पंचमी पर यहाँ इसकी विशेष पूजा होती है। यहाँ पर आने वाले शिव भक्तों का मानना है कि यमुना तट पर स्थित तक्षक कुंड में स्नान करने और तक्षकेश्वर भगवान की पूजा जप और आदि करने पर व्यक्ति से जुड़े सभी प्रकार के दोष और सर्प दंश आदि जुड़ी बाधाओं से मुक्त होता है। मान्यता है कि इन पावन तिथियों पर विधि विधान से भगवान शिव का पूजन और रुद्राभिषेक आदि करने पर शिव साधक को सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संगम नगरी प्रयागराज यमुना तट स्थित तक्षक तीर्थ को नाग पूजा के लिए बहुत शुभ माना गया है। ना सिर्फ नाग पंचमी बल्कि प्रत्येक मास की पंचमी पर इस तीर्थ स्थान पर पूजा अर्चना रुद्राभिषेक करने से काल्प सर्प दोष और सर्पदंत के भय से लोग दूर होते हैं।
आशीष भट्ट, प्राइम टीवी, प्रयागराज। यूं तो हमारे देश और प्रदेश में कई प्राचीन मंदिर हैं जिनकी महिमा अपरंपार है और उन्हीं में से एक की वर्णन हमने आपको बताया। जी हाँ, प्रयागराज के दरियाबाद मोहल्ले में स्थित प्राचीन श्री तक्षक तीर्थ मंदिर के बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।